एक बार विश्वामित्र जी परीक्षा लेने चल पड़े, क्योंकि हरिश्चंद्र जी की ये बड़ी प्रिय आदत थी कि वो बिना दान किए भोजन नहीं पाते थे। कोई भी उनके घर आ जाए, जो मांग दे वो दे देते थे। विश्वामित्र जी एक बार सभी देवताओं ने मिलकर के योजना बनाई कि जाकर के आप परीक्षा लो इनकी, आप दर्शन करिएगा कितनी कठिन परीक्षा दी है। विश्वामित्र जी आए और उन्होंने जब आए, बड़ा आवभगत स्वागत सम्मान राजा ने किया, बैठे प्रणाम किया, ऋषिवर कैसे आना हुआ आपका? कहा आज मैंने एक स्वप्न देखा। और स्वप्न क्या देखा? मैंने स्वप्न में यह देखा कि आपने अपना पूरा राजपाट मुझे दे दिया है। ईमानदारी से बताइए, कोई ऐसे अगर आकर के कहे आपसे कि हमने आज सपना देखा है कि ये आपका जितना फ्लैट है आपने मुझे दे दिया है, अब दान करेंगे क्या? अगर आपके मन में ऐसा आ भी गया कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है लेने का, तुरंत भगाएंगे घर से, चलो रास्ता पकड़ो। पर राजन ने जैसे ही सुना कि ऋषिवर ने ऐसा स्वप्न देखा है, कहा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? प्रभु, ये सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपकी ही कृपा से संभव हुआ है, आप ही संतों का आशीर्वाद है। जाइए, मैं अपना पूरा राजपाट आपको देता हूं। मांगा नहीं था, स्वप्न देखा था, और अपना पूरा राजपाट सौंप दिया विश्वामित्र जी को। महाराज आप प्रसन्न तो हैं, और कोई सेवा? अब परीक्षा स्टार्ट हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो आपने अपने मन से दिया, मैंने मांगा नहीं था आपसे, अब हमारी दक्षिणा दो। दान और दक्षिणा में अंतर है। आप गौ माता की सेवा के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो दान है, पर कोई विप्र, कोई ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण से आप अनुष्ठान कराते हैं, कोई पूजन कराते हैं, और उसका जो मेहनताना आप देते हैं उसे दक्षिणा कहते हैं, वो दान नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मेरी दक्षिणा तो अभी शेष रह गई, मेरी दक्षिणा दो आप। राजन ने कहा, प्रभु सब कुछ तो आपको दे चुका हूं, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने अपने मन से सब कुछ दान कर दिया है, और हम 1100 ब्राह्मण आज आपके घर पे इस महल में उपस्थित हैं। हमें 1100 सोने के सिक्के चाहिए, कम से कम एक भी सिक्का दो एक एक ब्राह्मण को तो 1100 सिक्के चाहिए। अब जो अपना राजपाट दे चुका है, सब कुछ न्यौछावर कर चुका है, वो कहां से देगा भला? विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी, ब्राह्मण ऐसे नहीं वापस जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन किया, प्रभु एक निवेदन करता हूं मैं, अब तो मेरे पास कुछ शेष नहीं है, लेकिन एक महीने का मुझे समय दे दीजिए, एक महीने में आपका ये दक्षिणा मैं चुका दूंगा। कोई दूसरा होता, कितना भी बड़ा दानी होता, पर इस समय पे क्रोध अवश्य करता, लेकिन क्रोध नहीं किया, विनम्रता के साथ में विनती की, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, मैं निवेदन करता हूं, मुझे एक महीने का समय दे दो आप, मैं मेहनत करके आपकी दक्षिणा वापस करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने एक महीने का समय ले लिया। विश्वामित्र जी ने यह शर्त रखी, कहा अब से ये राजपाट हमारा है, और मेरे राजपाट के किसी भी व्यक्ति के घर पे आपको जाना नहीं है काम करने, जहां तक मेरा राज्य है। कितनी कठिन परीक्षा है कि उस राज्य में वो जा भी नहीं सकते, किसी के घर कुछ सेवा भी नहीं कर सकते। बहुत विचार करने के बाद अपनी पत्नी तारा, बेटा रोहित के साथ में राजा चल पड़े, और कहां पहुंचे? काशी जी, क्योंकि काशी जी कोई राज्य नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, वो तो बाबा का घर है। काशी जी में पहुंचे, बड़ा विचार किया, एक महीने का समय बचा, क्या करें? देखते देखते बहुत दिन निकल गए, बचा एक दिन शेष। विश्वामित्र जी आए,
उन्होंने कहा, महाराज आपने कहा था कि मैं एक महीने के भीतर आपको दक्षिणा प्रदान करूंगा और अभी तक आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए। एक दिन का मात्र समय बचा हुआ था, मात्र एक दिन। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मुझे एक दिन का आज जो समय बचा है, सूर्योदय पहले आपका पैसा वापस कर दूंगा। क्या करे, कुछ समझ ना आए। उनकी पत्नी तारा, हे विधाता रक्षा करो हमारी, हमारे धर्म की। हम जिस रास्ते पर चले हैं वो हमारा व्रत पूरा करो। पत्नी का जो धर्म होता है वो मैया तारा ने किया। मैया तारा अपने पति से कहती है, प्रभु आप एक काम करो, मुझे बेच दो। अब कोई पत्नी अपने पति से कहे मुझे बेच दो, उस समय क्या स्थिति होगी? महाराज उनकी आंखों में अश्रु आ गए। मेरे रहते हुए मैं तुम्हें बेच दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करूंगा पर तुम्हें नहीं बेच सकता मैं। और इससे बड़ा मेरे माथे पर कलंक क्या होगा कि एक राजा ने पैसे चुकाने के लिए अपनी पत्नी को ही बेच दिया। ध्यान से सुनिएगा, कई बार लोग के मन में ऐसा भी भ्रम होता है कि राजा हरिश्चंद्र ने बेच दिया, उन्होंने नहीं बेचा। कहते हैं कि विपत्ति में असली पत्नी वही है जो पति का साथ विपत्ति में दे, क्योंकि जब धन संपदा यश कीर्ति वैभव होता है तो सब साथ देते हैं, पर विपत्ति में भी जो साथ दे वही धर्म पत्नी है और परीक्षा उसी समय होती है। और वाकई मैया तारा ने ऐसा किया। उन्होंने कहा, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगी, मैं स्वयं को बेच दूंगी। बाजार में खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी अगर किसी को आवश्यकता हो तो शीघ्र बताए। करते करते ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण ने देखा तारा को आए और कहा, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं, कितना दोगे पैसा? कहा, देखो बहुत तो नहीं दे सकता पर 500 सिक्के दे सकता हूं मैं, मेरी पत्नी बीमार है और तुम्हारी आवश्यकता है, घर पे रहोगी, भोजन पकाना, पूजन करना इत्यादि सारी सेवाएं करनी है, मैं 500 दे सकता हूं। मैया प्रसन्न हुई, कहा आप मुझे शीघ्र पैसे दे दो। 500 के सिक्के वो पंडित ब्राह्मण लेकर के आए, तारा को प्रदान किया। जब प्रदान किया उन्होंने पैसे लिए और राजा हरिश्चंद्र को प्रदान किया, आप लीजिए मैंने अपने पत्नी होने का धर्म चुका दिया, अब आप मेरी चिंता मत करिएगा, मैं जहां भी रहूंगी ठीक रहूंगी। महाराज रोए जा रहे हैं, वो छोटा बेटा जो रोहित है वो रोए जा रहा है, मां मुझे भी अपने साथ ले चलो, मां मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मां मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे ले चलो। उस पंडित ने देखा कि इसका बेटा रहेगा साथ में, इसे कोई काम नहीं करने देगा, इसे परेशान करेगा, और ये मां बेटे साथ में रहेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। पंडित ने इजाजत नहीं दी, कैसे मैं नहीं ले जा सकता। जब वो छोटा सा बालक बार बार रोने लगा, विलाप करने लगा, राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस बेटे को उसकी मां से अलग ना करो आप। ब्राह्मण को दया आई और कहा, कोई बात नहीं, चलो कम से कम पूजा करूंगा मैं, तो ये तुलसी दल लेकर के आएगा, पूजन पाठ की सामग्री लेकर के आएगा, चलो कुछ तो सहायता करेगा। इस बेटे के हमने 100 सिक्के दिए, कितने हो गए? 600। लेकर के चल पड़ा वो ब्राह्मण। अब महाराज के पास 600 सिक्के हो गए थे लेकिन अभी भी 500 बाकी थे। वो तो चल पड़ा ब्राह्मण लेकर के। अब राजा हरिश्चंद्र बीच मध्य में खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाते हैं, मुझे कोई खरीदने वाला है, मुझे कोई खरीदने वाला है। करते करते उसी समय एक चांडाल आया, डोम आकर के उसने कहा, मुझे आवश्यकता है। कहां आवश्यकता है? शमशान में। मैं तुम्हें खरीदूंगा, कितना दोगे पैसे?
का 500 500 मिला। राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि अब तो मेरी जो वाणी थी वो सत्य हो गई, कोई ब्राह्मण मेरे से निराश नहीं हुआ, मैंने जो वचन दिए थे वो मेरा पूर्ण हुआ। 1100 रुपए ले जाकर के प्रदान किए और राजा हरिश्चंद्र शमशान में जाकर के जो चांडालों का कार्य होता है, शमशान में शवदाह कराना, टैक्स लेना, पैसे लेना, ऊपर के जो कफन होते वो सारी चीजें, ये सब कार्य करने लगे। उनकी पत्नी तारा घर में बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, सबकी सेवा करना करने लगी। और ध्यान दीजिए, समय किसी का नहीं है। यही समय था जो कभी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, जिनके महल में हजार हजार दासियां थीं, जो तारा मैया सोने से हीरे से लदी हुई थी, आज वो मैया किसी के घर में बर्तन धुल रही है। कब क्या बदल जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार किसी बात का नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर कुछ प्राप्त है तो भगवान की कृपा से प्राप्त है। आप ये मत कही कि मैंने ये किया, क्योंकि भगवान ने थोड़ी सी चाबी इधर उधर कर दी, सब समाप्त हो जाएगा। समय बदला, मैया तारा घर पे भोजन इत्यादि बनाने लगी, झाड़ू पोछा करने लगी, बेटा उनका कार्य करने लगा, राजा हरिश्चंद्र चांडालों का कार्य करने लगे। देखते देखते कुछ दिन बीता, परीक्षा पे परीक्षा चल रही है, लेकिन कभी भी हरिश्चंद्र जी ने यह नहीं कहा कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया, कितना गलत किया, कितना अन्याय किया। वो तो इस प्रसन्नता में थे कि मैंने किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, मैंने किसी की दक्षिणा नहीं रोकी, इस बात से वो प्रसन्न थे। कुछ दिन व्यतीत हुआ, मैया तारा एक दिन घर पे भोजन बना रही थी और उनका बेटा रोहित गया बागीचे में पुष्प लेने के लिए। जब पुष्प लेने पहुंचा, वहीं पर एक सर्प ने उस बेटे को काट दिया। बेटे को सर्प ने काट दिया, बेटा समाप्त हो गया, मर गया। लोगों ने देखा, आकर के तारा को बताया, आपका बेटा ऐसी ऐसी स्थिति में है, आपको पहुंचना चाहिए। मैया तारा जैसे घर से निकलने ही जा रही थी, तब तक जिस घर में रहती थी उस ब्राह्मणी ने देखा, ये कहां जा रही है, कहा मेरा बेटा मर चुका है, अब मुझे जाने दो, मेरा एक ही बेटा था, वही मेरा सहारा था, और अब मुझे मैं उसे देखना चाहती हूं, अब तो वो समाप्ति हो चुका होगा। पर ब्राह्मण ने कहा तुम्हें नहीं जाना है, घर के इतने सारे काम पड़े हैं, पहले ये पूरा करो, मर गया तो मर गया, क्यों, मैंने तुम्हें खरीदा हुआ है, मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी। कितनी परीक्षाएं भगवान लेता है। मैया तारा नहीं गई, जिसका बेटा मर गया है, जिसके बेटे को सर्प ने काट डाला, और वो मैया नहीं गई, घर में काम किए जा रही है। दिन भर कार्य करने के पश्चात जब संध्या हुई, रात हुई, थोड़ा सा समय मिला, मैया भागी दौड़ी पहुंची उस बागीचे में। बागीचे में जब गई, जाकर के देखा बेटा रोहित मरा पड़ा था। मैया विलाप करने लगी। समय ऐसा था कि उस बेटे के लिए वो कफन भी नहीं खरीद सकती थी, ऐसा समय आ गया था, एक पैसे नहीं थे उनके पास। मैया उसी रात में कौन सहायता करे एक गरीब व्यक्ति की, कौन देखने जाए। मैया अपने हाथों में अपने बेटे को लेकर के शमशान पहुंची उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। और मैया जब पहुंची वहां पर, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे जो टैक्स भरे, पैसे दे। राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची, वहीं पर शमशान में पहरा दे रहे थे, रात्रि का समय है। मैया पहुंची, जोर जोर से विलाप किए जा रही है। महाराज ने कहा कि भाई यहां इतने पैसे जितने भी लगते होंगे उस समय, इतने पैसे लगेंगे, आप ये दे दो, फिर आपके बेटे का अंतिम संस्कार होगा। मैया तो अपनी साड़ी फाड़ करके, अपना पल्लू फाड़ के अपने बेटे को लिटा करके उस पर उड़ाया हुआ था, मैया कहां से देती। राजा हरिश्चंद्र विचार करने लगे, ये है कौन,
चूंकि पत्नी थी तो कुछ तो आभास हो ही जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, क्या नाम है आपका? कहा, मेरा नाम तारा है। इस बेटे का नाम क्या है? कहा, इस बेटे का नाम रोहित है। राजा हरिश्चंद्र को याद आया, ये तो मेरी पत्नी, मेरा बेटा है। उन्होंने पूछा, क्या आप हरिश्चंद्र की पत्नी हैं? मैया तारा ने कहा, हाँ मैं उन्हीं की पत्नी हूं। और जैसे मैया ने चेहरा देखा तो वो विकराल स्वरूप भी हो गया था उनका, दाढ़ी बढ़ गई थी, केश बड़े बड़े हो चुके थे, शमशान में जलाते जलाते चेहरा काला पड़ गया था, शरीर काला पड़ गया था, वो पहचान में भी तो नहीं आ रहे थे। चेहरा जब देखा, मैया ने पहचाना, ये तो मेरे पति हैं। मैया ने तुरंत कहा, ये ऐसी ऐसी घटना हुई, बेटा समाप्त हो गया, अब इसका अंतिम संस्कार करो आप। पर उस समय में भी उनका हृदय तो देखो, उनके निष्ठा तो देखो, कि उस समय में भी वो अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़े। उन्होंने कहा, अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं है हमारा, हमारे जो मालिक है, उन्होंने जो मुझे कार्य दिया है, उन्होंने मुझे यही कहा है कि बिना पैसे लिए किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना है, और आपको जब पूरे पैसे भरेंगे तभी आपको मैं ऐसा करने देंगे। मैया ने कहा, कोई बात नहीं, अभी विचार ही कर रही थी, तब तक गांव के लोग दौड़ते पीछे पीछे चले आए। दौड़ते दौड़ते आए लोगों ने कहा, भाई इसने चोरी की है, बहुत बड़ी चोरनी है ये, इसे सजा देनी पड़ेगी। और सजा देगा कौन? कहा, आपको ही देनी है सजा। राजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दिया गया, कहा, अपने पत्नी का गला काटो, इसने चोरी की है। इसके बाद भी महाराज तनिक भी विचलित नहीं हुए। मैया ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए, ये जो कह रहे हैं वही करिए आप। और जैसे हरिश्चंद्र ने तलवार उठाया अपने पत्नी का गला काटने के लिए, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। मतलब भक्तवत्सल भगवान की, भगवान उस समय प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए, राजा हरिश्चंद्र से कहा, मैं आज प्रसन्न हुआ आपकी परीक्षा से, आपकी निष्ठा से, आपकी श्रद्धा से, आपके विश्वास से। आपका इतना विश्वास अडिग, आपका प्रेम इतना अडिग, आपकी श्रद्धा इतनी अडिग कि सब हार गए। आपने जो इतनी कठिन परीक्षा दी, ऐसा ना आज तक कोई किया था, ना आगे कोई कर पाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, मेरी सेवा में क्या कमी रह गई थी? कहां से आपको संदेह हो गया कि मैं दान नहीं कर सकता? भगवान ने कहा, अगर इस बात को मैं कहता लोगों से कि राजा हरिश्चंद्र बड़े दानी हैं, बड़े सत्यनिष्ठ हैं, तो लोग मेरी बात नहीं मानते, अरे कुछ भी कहते रहते। परीक्षा मैंने इसीलिए ली कि ये मेरी बातें नहीं, बल्कि इतिहास गवाह रहेगा कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन फिर भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। ऐसी होती है निष्ठा, ऐसा होता है विश्वास, ऐसी होती है श्रद्धा।